बिल्ला कौन है? कौन बिल्ला? बिल्ला भड़वा। मेरा ही नाम बिल्ला है। क्या काम है? काम? अरे छोड़ूंगा तुझे। अरे बाप रे बाप रे, अरे कात रे, क्यों छोड़ दिया मेरा साथ रे, तुझा रे कात रे। वो मर गया शिंदे, मर गया यार। कितने लोग का मातम करेगा सीना पीट पीट के। हेलो शिंदे को फोन दो। कौन? शिंदे भाई, वो छाती पीट पीट के कातरे का चौथा मना रहा है। अब न जाने किस किस का चौथा मनाना पड़ेगा। जल्दी से फोन दो उसे। एक मिनट, इसका फोन है दे। वो जल्लाद शंकर का फोन है। कौन बोल रहा है? बोल। तेरा बाप। मैं शंकर बोल रहा हूँ। ऐसा बोल, कान में खुजली होती है। अरे तेरी माफिया की हुकूमत की बुनियाद हिल गई है और तेरी है जुर्म की इमारत गिरने वाली है जल्दी। तू किसकी बात कर रहा है? मैं बिल्ला बड़वे की बात कर रहा हूँ। वो भी मर गया है, कफन का इंतजार कर रहा है। उसकी लाश उसके घर पे पड़ी है, ले जाने तो सड़ जाएगी। अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। शंकर, तू जल्लाद अपने आप को फौलाद समझता है? अरे अपुन के आदमी को मार के खुद को खुदा समझते है। खुदा के बेगुनाह बंदों को फंसाना तुम्हारा पेशा है। तुम जैसों को इस फरस्ती से मिटाना ये जल्लाद का पेशा है। ए शंकर, तू कपड़ा है कपड़ा, हम लोग कैंची है कैंची। काटते चले जाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा, मालूम पड़ा धोती का रुमाल हो गया और गागरे का बिला। हाँ, और जिस दिन ये कपड़ा तुम्हारा कफन बन गया उस दिन तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। शिंदे बंद कर अपने धंधे, चौपाटी पे जा, तेल मालिश कर या बूट पॉलिश कर। कपड़े अपुन की झूठी शराब पीने वाला अपन को दे रहा है धमकी? धमकी नहीं, करके दिखाऊंगा। तेरे हर गाले में ताला लगाऊंगा। 6 महीने हुए, अभी तक हफ्ता नहीं मिला। अभी इलेक्शन के टाइम में चंदा तो ऐसे मांगने आता है जैसे बाप दादा का खजाना हम लोग के पास छोड़ के गए था। आंखें क्या दिखाते? आंखें नीचू कर, आंखें नीचू। तो सिर्फ आंखें दिखाई हैं। लॉकअप में बंद करके वो जलवे दिखाऊंगा कि आंखें मुंह कान वान और वो सब फट जाएगा। तेरी तरह से सुन ले, यहां से सीधा फूट ले। और अगर तूने हफ्ता मांगा ना तो अपुन तेरे घर में घुसकर तेरे को हफ्ता भर मारेगा क्या? और मेरा नाम मालूम है? रापचा है रापचा। इसे कोने में ले आके गपचाऊंगा ना कि सीधा कब्रिस्तान में घुसेंगे और मुर्दे लोग से जिंदगी की भीख मांगेगा। मान ले मेरी बात, तुम लोग के हाथ में भीख का कटोरा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर डोन कर लेंगे। ये मत भूलो कि जोशी की बेटी अब तक जिंदा है, वही जोशी जिसको हमने फांसी दिलाई, जो बेगुनाह था। उसके मर्डर की फाइल फिर खुलेगी। और ये भी मत भूलो, अर्जुन सिंह का कत्ल आपके कहने पे किया था। मत भूलो है? हफ्ता। अरे रश्मि, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं शिंदे के गोदाम से आ रही हूँ। ओह, शिंदे के यहाँ से। कोई काम की बात पता चली? राहुल, जो मैंने शिंदे और इंस्पेक्टर ढोलकर की सारी बातें सुनी है वो मैंने शंकर भैया को बता तो दी। शंकर भैया अब इंस्पेक्टर ढोलकर को छोड़ेंगे नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं शंकर बोल रहा हूँ। पता चल गया मुझे
कि अर्जुन का कत्ल तुमने किया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपने दिन गिन शंकर, आज तू मारा जाएगा क्योंकि तू अकेला है, जबकि मेरे आगे पीछे पुलिस प्रोटेक्शन है। मैं तुझे बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे फाड़ना चाहता हूँ। पुलिस चाहे तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी रख लो, तुम बचोगे नहीं। माफ कर दो शंकर, इंस्पेक्टर अर्जुन को मार के मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, अब कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अब तू कोई बुरा काम करने के लिए बचेगा तभी ना। इंस्पेक्टर अर्जुन को मार कर जो बुरा काम तूने किया है, इसकी सजा तुझे जो हशर हुआ है देख लिया आपने। चलिए काय शंकर, तूने अपन लोगों को धमकी दी थी ना कि मैं जला दूं, अपनी अपनी गर्दन संभाल के रखना। तू क्या समझता था कि हम तेरे डर से कांपने लग जाएंगे? जल्लाद धमकी नहीं देता, वो गले में फांसी का फंदा बन जाता है। अब ज्यादा दिन नहीं, आ रहा हूं बाहर मैं, फैसला के मुझे नहीं रोक सकेंगी। ए जल्लाद, दिया ना तेरी धमकी का जवाब। अब तू बाहर निकल शंकर, फिर देख हम तेरा ढोलक कैसा बजाते हैं। अरे ढोलक हिजड़े बजाते हैं और मर्द नगाड़ा बजाते हैं।
मैं आके तुम सबके नगाड़े बजा दूंगा। शंकरवा, होता है ऐसा ही ना होता है शंकर, जब एक छोटी सी माचिस की तीली अपने आप को बारूद का ढेर न समझकर पूरी दुनिया में आग लगाने निकलती है ना, तो ऐसा ही ना अंजाम होता है। अब तुम ना जेल में सड़ सड़ के मरोगे, न कोई तुम्हारा 40वां मनाएगा, न 4था। तेरी बहन को ना कातरे ने मार डाला, और तेरी बीवी को हॉस्पिटल में मैंने इसलिए ना मार दिया ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके। कमीने, ले जा इसे, तू नहीं बचेगा।